ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। दिल्ली से सटे फरीदाबाद से आई सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, जो फरीदाबाद में कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। जी हाँ, महिलाओं की सुरक्षा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए नए नए कानून बनाए जाने के बाद भी समाज में घिनौनी मानसिकता की सोच रखने वाले ऐसे अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं है। इसका जीता जागता सबूत फरीदाबाद के सेक्टर 23 इलाके में देखने को मिला, जहां एक महिला को अपने पड़ोसी द्वारा बार बार छेड़छाड़ करने का विरोध करना महंगा पड़ गया। महिला के मुताबिक उसने इस छेड़छाड़ की शिकायत अपने पति से की थी, जिसके बाद उसके पति ने आरोपी युवक के घर इसकी शिकायत कर दी। बस इसी शिकायत से खफा सिरफिरे ने महिला के घर पहुंचकर उसके पति को घर से बाहर बुलाया और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शोर सुनकर उसकी पत्नी भी उसे बचाने दौड़ी, लेकिन आरोपी ने उनको भी धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसके बाद उसे बचाने वहां के पड़ोसी पहुंचे, लेकिन आरोपी उनके भी काबू नहीं आया और उनकी बुरी तरह से पिटाई करता रहा। ये पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल दोनों घायलों का सिविल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पति की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया गया। उन्होंने कंप्लेंट दी थी कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने उसको घर से बाहर बुला के और गली में पिटाई की है उसकी, और उस दौरान उन्होंने जो कंप्लेंट दी उस पर हमने ये FIR दर्ज की है। तो किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था? ये हमने 323 और 506 IPC में ये मुकदमा दर्ज किया है, और मुकदमा दर्ज करने के पश्चात हमने जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट कर लिया और कोर्ट में पेश कर दिया। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर